अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक। आप सबको रमज़ान मुबारक। और आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन वन बाइट मिनी समोसा। ठीक है, मिनी समोसा भी कहते हैं और चिकन बाइट समोसा भी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लिया और उस बाउल के अंदर अब हम लोग डालेंगे सबसे पहले भर के एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो इसके अंदर ऐड करेंगे वो है पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च आधा आधा चाय का चम्मच। और इसके अंदर जो अब हम ऐड करेंगे वो है टिक्का मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर होगा तो बहुत थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। टिक्का मसाले का सोया सॉस एक चम्मच भर के। इसके बाद हम डालेंगे चिली सॉस एक खाने का चम्मच भर के। चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब इसके अंदर हमने चिकन का कीमा डाल दिया है, एक कप एक पाव के करीब था वो, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम लोग ने पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डाल दिया, उसको गर्म कर रहे हैं अच्छे से। गर्म थोड़ा सा हो गया है तो अब इसके अंदर हम जो है चिकन का कीमा डाल देंगे जो हमने मैरिनेट किया हुआ था, 5-10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए हमने रख दिया था। अब इसको अच्छे तरीके से जो है आपने फ्राई करना है, इसको कोई ढकना नहीं कुछ नहीं, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है और उसका कीमा हुआ हुआ है तो उसको हम जितनी देर में 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे, हम लोग को 4 से 5 मिनट में हमारा चिकन का रेडी हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग जो है चम्मच को कंटिन्यूसली आप लोग चलाते ही देखिए कीमे की शक्ल जो है वाइट होती जा रही है, जैसे जैसे वाइट होता जा रहा है इट्स मीन कि ये कुक होता जा रहा है, रेडी होता जा रहा है। बस इस तरीके से इसमें चम्मच जो है आप लोग को चलाते रहना है, चम्मच चलाते रहिए, चलाते चलाते जो है इतनी देर में आपका 3 से 4 मिनट में जो है पूरा कीमा रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी डिलीशियस सी रेसिपी है वन बाइट समोसा। मैं चिकन के कीमे का बना रही हूँ, अगर आप चाहें बीफ के कीमे का भी बना सकते हैं, मगर इस ये जो है बेसिकली चिकन के कीमे का होता है तो इस वजह से मैंने चिकन के ही कीमे में वन बाइट समोसा आप लोगों के लिए रेडी किया है। थोड़े से मैं जो हूँ कुटी हुई लाल मिर्च रेड फ्लेक्स जो कहलाते हैं वो ऐड किया, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और ऐड होना चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पाइसी कम लग रहा है। तो बस इस तरीके से इसको आप चलाते रहिए और ये जो है ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है कीमा। सही, 1 मिनट इसको तकरीबन मैं और कुक करूँगी ताकि अच्छे से बिल्कुल पक जाए कीमा, और जब फ्राई होंगे समोसे तो ऑलरेडी उस तक भी बन जाएगा। तो कीमा हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको मैंने एक जो है बाउल में निकाल लिया है। अब इसके जो है हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप जो है अब हमारा समोसे की पट्टियाँ मैंने लेके रखी हुई हैं, तो ये देखिए सबसे पहले आप समोसे की पट्टियाँ ले लें, इसको नॉर्मल पट्टियाँ जिसको डबल कर दिया, फोल्ड कर दिया इक्वली। इक्वल फोल्ड करने के बाद जो है आप इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लीजिए। तो ये जो हमें क्योंकि मैं कट इस वजह से करी क्योंकि हमें वन बाइट समोसा चाहिए, तो वन बाइट समोसे के लिए हमने इसको बीच में से कट कर लिया है। और अब जो हम इसके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे जैसे नॉर्मल समोसे की पैकिंग होती है उसी तरीके से फोल्ड करके आप जो है इसकी पैकिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। अब इसके अंदर जो है चिकन का कीमा फिल कर रही हूँ। चिकन का कीमा फिल करने उसको रोल अप करने के बाद साइड में जो बाउल आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर जो मैंने आटा लिया था, आटा लेने के बाद उसको जो है पानी डाल के उसका एक पतला सा, बहुत पतला नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल सी टेक्सचर का एक पेस्ट बना लिया ताकि इससे मैं समोसे को जो है कवर करूँगी, कवर मतलब पैकिंग के लिए। अब इसको लगाने के बाद जो है जब ये बैटर लगाऊंगी तो समोसा जो पूरा पैक हो जाएगा। अब इसमें आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और अंडे को बीट करके आप अंडा भी लगा सकते हैं, इससे भी समोसे को पैकिंग आप कर सकते हैं।